आज प्रेस वार्ता में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू ने कहा कि हमने कांग्रेस के लिए 10 साल दिए हैं और इन 10 सालों में पार्टी को मजबूत करने और आगे बढ़ाने का कार्य किया है। कल देर रात कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें किच्छा विधानसभा से पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ को प्रत्याशी बनाया है। इस बात से हरीश पनेरू एवं उनके साथ कांग्रेस के 6 अन्य वरिष्ठ नेता काफी नाराज हैं। पनेरू ने कहा कि हमें और हमारे साथियों को बाहर का प्रत्याशी नहीं चाहिए, किच्छा विधानसभा से प्रत्याशी किच्छा विधानसभा का ही होना चाहिए। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई बाहर का व्यक्ति आकर हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़े और हमने जो मेहनत 10 सालों में की है वह हमारे लिए बेकार साबित हो। और आज प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि कल बातचीत करके मीटिंग करने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं और हम सभी साथों में से कौन निर्दलीय चुनाव लड़ेगा इसका फैसला कल कर दिया जाएगा। किच्छा के देवतुल्य जनता की अदालत में जाएंगे और जनता से मैं लगातार संपर्क में हूँ और जनता का आशीर्वाद अगर चुनाव लड़ो का होगा तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं जनता से आशीर्वाद, जिनको पार्टी ने टिकट देना था उनको टिकट दे दिया और मुझे जनता का आशीर्वाद चाहिए। मैं जनता से आशीर्वाद लेकर 2022 के चुनाव में कूदूंगा। क्या ये माना जाए कि निर्दलीय चुनाव लड़ना निश्चित है? नहीं, ये हम 7 लोगों के बीच में, अगर हमारे 7 लोगों में से कोई साथी लड़ना चाहेगा तो निश्चित रूप से पहले मैं उनको नंबर देता हूँ, अगर कोई नहीं लड़ना चाहेगा तो निश्चित रूप से मैं जनता की भावनाओं के अनुसार, साथियों की भावनाओं के अनुसार जनता की अदालत में जाऊँगा और 2022 में किच्छा विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। क्या इस चुनाव लड़ने को लेकर क्या 7 लोगों के बीच में कोई मीटिंग? निश्चित रूप से हम लोगों की दूरभाष पर, फ़ोन पर वार्ताएँ हो रही हैं। कुछ साथी हमारे बाहर हैं शहर से और वो आज रात तक पहुँच जाएंगे, कल सुबह हम एक साथ मिल बैठकर इस पर जल्दी ही निर्णय लेंगे और किच्छा को आदर्श विधानसभा बनाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए, भाई मुक्त बनाने के लिए और आदर्श विधानसभा विकास की गाथा लिखने के लिए, किच्छा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक अच्छा निर्णय लेंगे और वो निर्णय किच्छा की जनता को सुखद निर्णय दिलाएंगे।